बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, धनक चैनल की तरफ से खुश आमदीद। नाज़रीन, आजकल ऑरेंज का सीज़न है और ऑरेंज जो है वो विटामिन सी का एक भरपूर ज़रिया है, तो इनसे जितना भी फ़ायदा उठाया जाए वो कम है। तो ऑरेंज विटामिन सी और फाइबर भी इनमें बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर आप वैसे खा सकते हैं ऑरेंज तो वो भी ठीक है, नहीं तो इसका जूस बना के पी लें। बच्चे भी शौक से पी लेते हैं जूस, तो इस तरीके से इसका हम ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जूस बनाने की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए फिर जूस बनाना स्टार्ट करते हैं। जी नाज़रीन, जूस बनाने के लिए हमने ये ऑरेंज लिए हैं। आप जितने ऑरेंज का आपने जूस बनाना हो उतने ले सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और जितने ये ऑरेंज है उस हिसाब से मैंने ये 2 टेबल स्पून चीनी ली है, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून काला नमक। तो अब हम इन ऑरेंज के जो बीज हैं उनको निकाल लेते हैं। देखें, चाहे तो हम इसकी अलहदा कतलियाँ करके भी बीज निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लगेगा और थोड़ा मुश्किल काम है, तो उसके लिए बेहतर ये है कि हम इसको इस तरीके से कटिंग करके ये देखें ये जो जूस बनता है ये फाइबर से भरपूर होता है और बहुत हेल्दी जूस बनता है ये। देखिए नाज़रीन, सारे बीज निकाल लिए मैंने और ये जो ऑरेंज है सारा हमारे पास बीज के बगैर है। अब हम इसका जूस बनाते हैं। ये देखिए, ये जूस बनाने के लिए हमने एक ब्लेंडर जग में ये सारे ऑरेंज डाल दिए और इसमें साथ ही इसके ये चीनी ये शामिल कर दिए और जो नमक चाट मसाला है वो हम बाद में डालेंगे। अब इसको हम ब्लेंड कर लेते हैं। जी ये देखें, ये जो जूस है वो तैयार हो गया है। अब इसमें हमने ये नमक और चाट मसाला ये शामिल कर दिए और इसको हमने चम्मच की मदद से हल्का सा हला लेना। ये देखें कितना गाढ़ा सा और मज़े का जूस बना है। जी ये देखें, ये इसको जूस को हमने इसमें डाल दिया। ये और इसके साथ ही हमने ये इस पर सिट्रॉल लगा दिया और ये बहुत मज़े का जूस बनता है इस तरह से। उम्मीद है कि आपको ये तरीका पसंद आया होगा, तो आप भी इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ ही अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।